गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सारू फ्रॉम सारूज एम्पायर एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर ट्रेवल के बारे में। वैसे तो ऐसे COVID-19 के और लॉकडाउन की सिचुएशन में हम लोग ट्रैवल करना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करेंगे। इवन मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग अननेसेसरी ट्रैवल करें, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। पिछले 2 सालों से पूरा वर्ल्ड इस महामारी से लड़ रहा है, इंडिया में बहुत ज्यादा बुरे हालात हो रखे हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, हम लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, घरों से निकलना बाहर हमारा बंद हो रखा है, तो ट्रैवल करना तो हम लोग बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि किसी अर्जेंसी की वजह से हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ जाता है, किसी वर्क अर्जेंसी की वजह से या फैमिली में हमें जाना पड़ जाता है। कुछ लोग अपने होम टाउन जा रहे हैं, कुछ लोग अपने होम टाउन से वापस आ रहे हैं, ऐसे में हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। तो इस वीडियो में मैं अपना एयर ट्रैवल का एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने लास्ट वीक अभी किया है। तो जब लास्ट वीक मैंने ट्रैवल किया था अपना, तो मैंने किया था जयपुर से हैदराबाद का। तो उस टाइम राजस्थान में भी लॉकडाउन था और हैदराबाद ही था। तो लॉकडाउन में जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ का क्या सीन होता है, कितना क्राउड होता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और कौन कौन सी प्रिपरेशन है जो आपको एयर ट्रैवल से पहले कर लेनी है, वो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं। तो क्या होता है कि अभी की ई पास हम लोगों को अरेंज करने होते हैं, और नेगेटिव रिपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट में आपको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जानी चाहिए। उसके अलावा एक बात और बोलना चाहूंगी, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जब भी आप एयर ट्रेवल प्लान करो अपना, तो पहले जिस स्टेट में आप जा रहे हो उसका भी एक बार पता कर लो कि वहाँ पे क्या रूल्स है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं आई थी जयपुर से हैदराबाद, नेगेटिव रिपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं थी एयरपोर्ट पे, फिर भी हम लोग अपना नेगेटिव रिपोर्ट हमने कैरी किया सेफ्टी पर्पज से, मतलब करना चाहिए। उससे क्या होता कि अगर आपको कुछ भी है, जैसे आपको पॉजिटिव आ गई या आप पॉजिटिव हो और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग उससे इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग अगर जैसे नहीं भी रिक्वायर्ड होती है नेगेटिव रिपोर्ट, तो अपना नेगेटिव रिपोर्ट आप लेकर के चलो। उससे आप खुद भी सेफ फील करोगे, बाकी लोगों का भी को भी सेफ फील कराओगे। उसके अलावा अभी और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि चेंज हो गए हैं, वो मैं सारे इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं, और जो टैक्सी है वो हमने एक दिन पहले अपनी बुक कर ली थी। अभी सुबह के 4:30 बजे हुए हैं और हमारी फ़्लाइट है 6:30 बजे की। तो हम लोग जल्दी घर से निकल गए हैं, और भी ज़्यादा जल्दी निकल सकते थे, बट हमारा एयरपोर्ट घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग 2 घंटे पहले निकल गए। हमें पहुँचने में रास्ते में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और आप देख रहे हैं रोड सारी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है, प्लस राजस्थान में लॉकडाउन है। तो अभी हम लोग जयपुर में हैं और यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। जो इस कोविड की वजह से बहुत सारे रूल्स एयरपोर्ट के चेंज हुए हैं, तो उसमें जो पहला रूल है वो है कि आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना है 2 घंटे पहले। वैसे तो हम लोग 1 घंटे कर चलते हैं, लेकिन इस कोविड की वजह से बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी होती है, और हो सकता है कि एयरपोर्ट पे क्राउड मिल जाए हमें, तो हमें 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का मार्जिन लेके पहुँचना है एयरपोर्ट। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, बहुत नॉर्मल क्राउड है। अब आता है रूल नंबर 2, टेम्परेचर चेक। जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो डिपार्चर गेट पे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, आपको फीवर टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ के जयपुर के एयरपोर्ट पे, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। रूल नंबर 3 है वेब चेक इन। ये वेब चेक इन 48 आवर्स बिफोर शुरू हो जाता है। आप वेब चेक इन करो, आपको ये लोग बोर्डिंग पास इशू कर देंगे ऑनलाइन, उसी बोर्डिंग पास को आपको यहाँ पे दिखाना है डेस्क पे। रूल नंबर 4 है आपका कि आपको अपने बोर्डिंग पास यहाँ पे जो प्रिंट आउट वाले ऑटोमेटिक मशीन लगे हुए हैं, यहाँ से अपने प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। ये लोग बोर्डिंग पास नहीं दे रहे हैं अभी, तो आपको अपने फ़ोन में आप सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप लोग अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है
और यहाँ पे सिर्फ इंडिगो की फ़्लाइट चल रही है, बाकी सारी डेस्क आप देख रहे हो खाली पड़ी है, पूरा खाली पड़ा है। यहाँ पे कोई और फ़्लाइट नहीं चल रही, सिर्फ इंडिगो ही अभी चल रही है और यहाँ पे क्राउड भी बिल्कुल नहीं है। रूल नंबर 5 है डबल मास्क और पीपीई किट। फ़्लाइट में जाने से पहले आपको ये लोग डबल मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइज सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराएंगे। डबल मास्क पहनना बहुत कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आपको मिडिल सीट मिलती है तो आपका पीपी किट पहनना भी कंपलसरी है। अगर आपको लेफ्ट राइट की सीट मिलती है तो आपकी चॉइस, आप पहनो या ना पहनो, बट अगर आपको मिडिल सीट मिलती है तो आपको पीपी किट पहनना ही पड़ेगा, ये रूल है। रूल नंबर 6, इसमें जो खाना सर होता है फ्लाइट में उसको लेकर रूल चेंज हो गया है। अगर आपकी फ़्लाइट का ड्यूरेशन 2 आवर्स से ज़्यादा है तो ये आपको सर्व करेंगे ये लोग। अगर आपकी फ़्लाइट का ड्यूरेशन 2 आवर्स से कम का तो यहाँ पे आपको कुछ भी सर्व ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग हैदराबाद पहुँच गए हैं, आप देख रहे हो हमारी फ़्लाइट लैंड कर गई है हैदराबाद। अब मैं दिखाती हूँ, हैदराबाद में भी अभी लॉकडाउन है तो दिखाती हूँ कि हैदराबाद के एयरपोर्ट का क्या सीन है, कितना क्राउड है। क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पे आपने देखा बहुत ही कम भीड़ थी वहाँ पे, और वहाँ पे कोई स्टॉल भी ओपन नहीं थी, कोई शॉप ओपन नहीं थी, और वहाँ पे फ़्लाइट भी सिर्फ इंडिगो की चल रही थी, बाकी और कोई फ़्लाइट भी नहीं है। तो ये हैदराबाद का एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे काफ़ी सही क्राउड देखने को मिला। आप देख रहे हो सारी शॉप्स वगैरह भी ओपन है, जितने भी यहाँ पे खाने पीने की भी सारी शॉप्स ओपन है, और शॉपिंग की भी सारी शॉप्स यहाँ पे ओपन आप देख रहे हो, और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे वहाँ से। तो इस टाइम जयपुर का जो लॉकडाउन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, वहाँ पे ये सब नहीं ओपन था, बट यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल लग रहा है। मतलब अगर आपको ज़रूरत हो तो आप खा पी सकते हो आराम से, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बाय भी कर सकते हो। ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने अपना एयर ट्रेवल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप अपना ट्रेवल प्लान करते हैं इस COVID-19 में, ऐसे लॉकडाउन के टाइम में अगर आपको ट्रेवल करना पड़ जाता है तो मेरा ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो गाइज आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और गाइज वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी दे दें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बताइए कि किस तरह की वीडियोस आप लोग पसंद करते हैं, किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, तो उस तरह की वीडियोस मैं बना दूंगी। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।